काफ़ी अच्छे से मेहनत करिए मंजिल सीरीज को बहुत अच्छे से देखा होगा और आज हम लोग उस मंजिल सीरीज का एक एक पार्ट कवर करने वाले हैं पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चन टाइम पर प्रीवियस ईयर प्रिवियस भी हम लोग कवर करेंगे अच्छा इसके ये जो आज का है, आज का सेशन सेशन है के 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 में मैंने आप लोगों अलावा के के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हुए हैं लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ मुझे कॉमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी आंसर करके बताओ हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयर वर्ब वर्ब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ब इज द पार्ट ऑफ वर्बल एबिलिटी आप 2022 में जब जाकर के देखोगे तो 2022 में आप सभी लोगों का जो पेपर था उसमें स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस नहीं आए थे ग्रामर बहुत कम आई थी 2023 का पेपर आप एनालाइज करेंगे तो 2023 में ग्रामर थोड़ी बहुत आ गई एंड इस साल बी आर एक्सपेक्टिंग हो सकता है कि ग्रामर आपके एग्जाम्स में ज्यादा आ जाए तो थोड़ा सा हम लोग फोकस रहेंगे ग्रामर के ऊपर बाकी आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो तो मैं कवर करवाऊंगी चाहे वो रीडिंग अरेजमेंट हो चाहे वो रीअरेंजमेंट हो चाहे वो आपका विकेबुलरी ना और मैंने थोड़ा सा ये करने की कोशिश करी है कि मैं सेशन में ही आपको डेली ये डेली चार पाँच चार पांच चार पांच ऐसे करके विकैबुलरीज प्रिपेयर करवा दूँ ताकि आप लोगों की काफी हेल्प हो जाए मैंने के अलावा आपको वन वर्ड हो हो इडियम फ्रेजेस उसकी प्रैक्टिस करवाई भी है सेशन आप लोग देख लीजिए जब आपको टाइम मिलता है तो ठीक है अच्छा कोई बात नहीं अगर नहीं भी किया है आज आप लोग मेरे साथ कर लीजिए और धीरे धीरे जितने भी बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं वो मंजिल टू पॉइंट ओ सीरीज को देखना शुरू कर दीजिए बिकॉज इट इज अ सॉलिड सीरीज जिससे आपको अपना पूरा का पूरा जो सिलेबस से है वो क्लियर हो जाएगा और आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा सो so, uh, एक बार मुझे सभी लोग जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बता देंगे आई यू ऑल एनर्जेटिक एंथुसियास्टिक विगरस विगरे सोलफुल सेंटिलेटिंग एंड सुपर डुपर ऑसम तरीके से तैयार तो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे और पहला क्वेश्चन देख करके ही आपको मजा आ जाएगा क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन है उट दिस बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा चलिए जल्दी से बताइए राधे राधे बेटा कुछ अभी कुछ मिस नहीं किया अभी जस्ट स्टार्टिंग है और ये जो एनर्जेटिक एंथुसियास्टिक विग्रेसिंग बोल रही हूँ ना इसका मतलब भी होता है खूब सारी एनर्जी आपके अंदर अगर एग्जाम में से रिलेटेड कोई भी वर्ड आ जाना तो आप लोग प्लीज जरूर से जरूर लिख के आना ये मैम आ, आ, थोड़ी एनर्जी कम लग रही है मुझे बहुत एनर्जी चाहिए आज का सेशन ना मतलब एकदम सॉलिड सेशन मुझे चाहिए आज मैं चाहती हूँ एक एक बच्चा ऐसी प्रेपरेशन करे ना मेरे साथ कि मतलब उसको ऐसा कॉन्फिडेंस उसके अंदर बिल्ड हो जाए ना कि उसको लगे कि नहीं बॉस मतलब यही है बस यही है दिस इज सफिशियंट सो मैं पहला क्वेश्चन आप लोग को दिखाने जा रही हूँ देखो ये क्वेश्चन जो है ना वो स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड है लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दू आप देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है आप अगर देख पा रहे हो दिस इज योर क्वेश्चन यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है

मी सी सबसे पहले मुझे आंसर कौन देता है ही वॉज सो इनक्विजिटिव दैट ही रोज मेनी क्वेश्चन इन द क्लास सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि इनक्विजिटिव का मतलब क्या होता है इस क्वेश्चन के साथ साथ ठीक है ना उसके बाद आप मुझे बताएंगे जल्दी से एक वर्ड आप लोगों ने सुन करके रखा होगा बहुत ही प्यारा वर्ड है और बहुत अच्छे से आप लोग कर लेते होगे उसको एंड द वर्ड इज हैंग इसका मतलब क्या होता है

आपका इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस तो सपोज अगर मैंने कह दिया चलो ठीक है बी वाले पार्ट में एरर है बी वाले पार्ट में एरर है मान लिया बी वाले पार्ट में एरर है तो बी वाले पार्ट में एरर क्या है बताओ जल्दी से अरे वाह चलो मैं बताती हूं देखो एक होता है राइज़ है ना और एक होता है रेज़ राइस का मतलब होता है उगना जैसे सूरज उगता है है ना तो राइस की तीन फॉर्म्स होती हैं रोज और राइजन ठीक है राइज रोज राइजन फाइन लेकिन एक होता है उठाना या बढ़ना तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो रेज जिसकी सेकेंड फॉर्म क्या आती है रेज और रेज्ड ठीक है इसको लिख लो अपनी कॉपी में नोट्स बना लेना बहुत इंपॉर्टेंट है so क्यूरियस मतलब 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 तो वो बहुत क्यूरियस था वो बहुत था, वो बहुत ईगर था इसी वजह से उसने क्या किया ही रोज वो उगा नहीं उसने बहुत सारे सवाल उठाए इन द क्लास सो आप बताओ मुझे यहाँ पर रोज सही है या फिर मैं इसको रेज से रिप्लेस कर दू जल्दी बताओ वट विल आई राइट rose or raised very good raised voice low hai voice low hai ठीक है सो so ये तो हो गया मेरा क्लियर मेरा एरर जो है वो मुझे कहाँ मिल गया बी में अब बताओ जल्दी से वट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हैंग हैंग का क्या मतलब होता है ये मैंने अपनी क्लासेस में पढ़ाया है स्टूडेंट को बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ठीक है ना इनक्विजिटिव का मतलब क्यूरियस भी होता है कीन भी होता है बेटू ईगर भी होता है बताइए <coughs> हां जी रिप्लेस कर दीजिए रोज को रेज से अब जल्दी से मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हैंग हैंग का क्या मतलब होता है हैंग का क्या मतलब होता है लटकना अच्छा अच्छा और अगर मैं किसी को फांसी पर लटका दूं तो टांगना अच्छा देखो इसका दोनों मतलब होता है बेटा एक तो होता है लटकाना है ना और एक होता है फांसी पर लटकाना

लेकिन अगर किसी को आप सिर्फ उल्टा लटकाते हो तो उसको हंग करते हो या फिर अगर आप पेंटिंग लटकाते हो तो यू हंग द पेंटिंग नॉट द पेंटिंग अगर आपने दिया, तो भी लो आ रही चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं सेकंड क्वेश्चन आप मुझे आंसर करके बताइएगा जल्दी से क्या होगा इतना क्लियर है ना सभी लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दो यस मैम पेल्पेबल फिर आओ आप सेकंड क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन का आंसर अच्छा सभी लोग मुझे दो जल्दी से और अभी वॉइस बता देना बेटा ठीक है हंगड़ नहीं हंगड़ नहीं होता हंग एच यू एन जी हंग हंग कर्ड भी सुना होगा ठीक है चलो सेशन को एक बार जरूर से ज़रूर बेटा लाइक कर दीजिएगा ताकि सेशन uh, का जो पॉपअप है वो बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुँच जाए है ना और इसमें आप कोई कंजूसी मत करिएगा डोंट बी निगार्ड ए और माइजर एनी वे है ना अच्छा ओके आई गॉट दी एरर मुझे एरर मिल गया है यहाँ पर स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं मैम ए पार्ट कंसिस्ट ऑफ एरर ए पार्ट कंसिस्ट ऑफ एरर क्या एरर है ए एर वाले पार्ट में वॉट इज द एरर इन ए अच्छा वोहन की स्पेलिंग रॉन्ग है क्या स्पेलिंग होती है अच्छा बोर्न तो हो जाएगा यहां पर ठीक है वो पैदा हुआ कहा पैदा हुआ वो पैदा हुआ एक ऐसी फैमिली में जो कि बहुत गरीब फैमिली थी है ना वो पूरा पेरेंट्स के घर पे पैदा हुआ तो आप बोल रहे हो मैम स्पेलिंग रॉन्ग है अब आप मुझे ये बताओ क्या बोर्न वर्ड नहीं होता इज दिस नो वर्ड क्या इसका कोई मतलब नहीं है मैम वॉट इज प्रवेश सीरीज बेटा जो आप देख रहे हो सेशन वो प्रवेश सीरीज का ही है और यहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे वो भी टॉपिक वाइज एज पर योर कॉल आपने ही बोला था ना कि मुझे प्रैक्टिस करनी है सो ही दैट बोन ऑफ सही है लेकिन यहां पे सच में स्पेलिंग का एरर है डिफरेंस है देखो एक वर्ड होता है बियर और एक और वर्ड होता है बियर एक बियर का मतलब होता है आपने किसी चीज को सहा और एक बियर होता है जिसका मतलब होता है किसी को पैदा करना ठीक है so सो जब आप इसकी वर्ब सेकेंड और इसकी वर्ब थर्ड बनाते हो तो इस दोनों की ही वर्ब सेकेंड क्या बनती है बोर लेकिन वर्ब थर्ड चेंज हो जाती है जो सहने वाला बियर होता है उसके लिए आप यूज करते हो बोन और यहां पर जब आप आते हो तो इसके लिए वर्ड यूज करते हो बोन और यहां पर अगर आप देखो तो वो बोल रहा है वो पुअर पेरेंट्स के घर में जन्मा उसने जन्म जो लिया वो पूर पेरेंट्स के घर में लिया और अगर जन्म आप ले रहे हो तो उसके लिए आप क्या लगाओगे बॉन bon. लेकिन आप मुझे बताओ अगर मैं ऐसे लिख दू हैज डैश मैनी थिंग्स इन हेज लाइफ यहां पे क्या लगाओगे उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा यहां पे क्या लगाओगे ही हैज बोर्न बी ओ आर एन वाला बोर्न या बी ओ आर एन ई वाला बोर्न जल्दी से बताओ क्विक अच्छा थैंक यू सो so मच प्रागति हाँ थ्योरी भी थ्योरी आपको मिल जाएगी वन शॉट में बेटा ना वो बी डबल ई आर होता है बेटा ठीक है वर्ब पढ़ रहे हैं हम लोग यहां पर उसका मतलब भालू भी होता है हाँ लेकिन वो नाउन के तौर पर होता है बेटा यस यहां पे आप क्या लिखेंगे ही हैज बोर्न क्योंकि उसने बहुत कुछ सहा है उसने बहुत सारी चीजें पैदा नहीं करी है लाइफ में ठीक है अच्छा चलो अभी हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी यहां पर आपके पास एक वर्ड लिखा हुआ है अफ्लुएंट ठीक है मुझे जल्दी से बताओ उसका मतलब क्या होता है वट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड अफ्लुएंट का क्या मतलब होता है आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है अफ्लुएंट का एंटेम अफ्लुएंट का सिनोनिम फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है आपसे एग्जाम्स में बताइए अफ्लुएंट का सिनोनिम अफ्लुएंट का एंटेनम जल्दी से बताइए और फिर उसके बाद हम लोग ये वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बहुत प्यारा क्वेश्चन है और वर्ब के क्वेश्चंस हैं मतलब वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आप सोच भी नहीं सकते थे कि वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते ठीक है ना वो डबल ई आर होता है बेटा रिच वेरी गुड सो अगर आपको कभी भी कोई बोले दैट यू आर अफ्लुएंट दैट मीन आप रिच हो आप ओप्यूलेंट ना आप एक वेल्दी लाइफ जी रहे हो या फिर आप एक लग्जरी लाइफ जी रहे हो लग्जूरियस ठीक है और आपके एग्जाम्स में इसका सिनेम ओप्यूलेंट पूछा गया था अगर आप गरीब हो तो आपको पुअर बोला जा सकता है आपको पावर्टी स्ट्रिकन बोला जा सकता है ठीक है या फिर आपके एग्जाम्स में इससे रिलेटेड वर्ड आ सकता है इम्पावर आपके एग्जाम में इम्पावरेस्ड आया है ठीक है ना और एक लास्ट वर्ड आप और याद कर लो उसके लिए इनडेस्टिट्यूट गरीबी में होना ये सारे वर्ड उसकी गरीबी को डिफाइन कर रहे हैं सो आपको मैं एक क्वेश्चन से कनेक्ट करके बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपके एग्जाम में कोई भी पार्ट बनता है उसका तो आप आराम से कर लो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन बताइए वन शॉट में आपको करवा दूंगी वैसे आप डायरेक्टली सर्च भी करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा ठीक है एम्पावरेस्ट पावर्टी स्ट्रिकन इसको लिख लीजिएगा कॉपी में साइड में बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा <laughs> हाँ इसीलिए मैं बोल देती हूँ क्लास में जब मैं वर्ड्स बोलती रहती हूँ ना मैं क्लास में रिपीट भी करती हूँ

एरर नहीं बताना होता आपको एरर के साथ साथ आप मुझे ये भी बताया करो कि हम उसका करेक्शन कैसे कर सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ एरर नहीं आता बेटू आपके एग्जाम में एरर के साथ उसका करेक्शन भी आता है एक तो वर्ड होता है फाइंड और फाइंड का मतलब होता है खोजना सर्च करना ठीक है ना और एक होता है फाउंड जिसका मतलब होता है स्टैब्लिश करना स्थापना करना स्थापना करना ठीक है ना आपको क्या करना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है अब इन दोनों की वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म चेंज हो जाती है बिटू फाइंड की सेकेंड फॉर्म होती है फाउंड और थर्ड फॉर्म भी होती है क्या फाउंड लेकिन इसका मतलब खोजने से रिलेटेड होता है सर्च करने से रिलेटेड होता है और ये जो फाउंड होता है इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है फाउंडेड और फाउंडेड विच मीन स्थापना करना तो आप मुझे जल्दी से बताओ इस यूनिवर्सिटी की क्या करी गई होगी इस यूनिवर्सिटी को खोजा गया होगा सर्च किया गया होगा या इसकी स्थापना करी गई होगी उन्नीस में जब इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट नहीं था इन मेनी एस्पेक्ट एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू ठीक है ना या फेस जैसे एक कॉइन के दो फेसेस होते हैं हां जी स्टैब्लिश का सेंस निकल के आएगा तो यहां पे करेक्शन क्या करोगे आप इंस्टेड ऑफ फाउंड फाउंडेड फाइन क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़े नेक्स्ट बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी आंसर करके बताइएगा क्या होगा अभी भी वॉइस लो है अरे लगा या नहीं बेटा सेशन को लाइक शेयर कर देंगे ताकि स्टूडेंट्स कनेक्ट होते रहें जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जितने भी साथी हैं जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं सबको पता होना चाहिए कि आज मैम की क्लास स्टार्ट हो गई है और बढ़िया से अफोर्ड करके आएंगे इंग्लिश का एग्जामिनेशन और सभी लोगों को इस क्लास में जुड़ना है बिकॉज दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट हाँ बेटा नाउन पढ़ाऊंगी बताओ आई against अगेंस्ट हिम एज spite ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल टू मैंड हिज ways. मैंने उसके अगेंस्ट कंप्लेन किया और मेरी रिपीटेड वार्निंग्स के बावजूद भी ही फेल टू मेंड हिज वेस वो अपने रास्ते बनाने में ठीक है ना असफल रहा बताइए वेरी गुड आई got the आंसर्स वे कैप वाली क्लास नहीं होंगी बेटा अभी जितनी है वे कैप की क्लासेस आप उन्हें कंप्लीट करिए और उनका रिवीजन हम लोग जरूर करेंगे ओके आई वॉट दी आंसर देखो अच्छा अच्छा मुझे जल्दी से ये बताओ अगर मुझे किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर लिखना है इफ आई हैव टू राइट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस मैं क्या लिखूंगी जल्दी बताओ वट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस सेंडेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सब्जेक्ट आता है वर्ब आती है और क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है यही तो आता है Am I right? तो आपको यहां पर सब्जेक्ट की जगह पर आई दिया गया है और वर्ब की जगह पर दिया गया है कंप्लेंट तो आपको जब यहां पर एक ऐसा वर्ड दिया जाए कंप्लेंट इसका मतलब होता है शिकायत है ना और अगर आपके पास वर्ड लिखा हुआ हो कंप्लेन तो उसका मतलब होता है शिकायत करना शिकायत करना अब आप मुझे बताओ सब्जेक्ट के बाद क्या आता है वर्ब आता है कि नाउन आता है और अगर वर्ब आता है तो आप क्या लिखेंगे कंप्लेंट लिखेंगे या फिर कंप्लेन लिखेंगे जल्दी से बताइए आप कंप्लेंट लिखेंगे कि कंप्लेंट लिखेंगे और आपको बता दूं याद रखिएगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की दो ही कंडीशन होती हैं बेटू या तो नाउन आता है या फिर आपका क्या आता है प्रोनाउन नाउन और प्रोनाउन के अलावा तीसरी कोई पार्ट ऑफ स्पीच सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते ठीक है ना याद रहेगा जल्दी बताइए वेरी गुड कंप्लेन आपको वर्ब लगानी है सो यू विल गो अहेड विथ कंप्लेन सो यहां पे आपको लिखना तो कंप्लेन था बट जब आपने सेंटेंस को नोटिस किया तो आपका ये जो सेंटेंस है किसमें दिया गया है पास्ट में सो इफ अ सेंटेंस इज इन पास्ट अगर आपका सेंटेंस पास्ट में हो तो आप हमेशा पास्ट की ही वर्ब को यूज करते हो तो आप याद रखिएगा यहां पर पास्ट का सेंटेंस है सो यूल गो अहेड विद वर्ब और वर्ब के साथ ईडी लगा देंगे जिसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा कंप्लेन सो आई कंप्लेन अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रेपीटेड वार्निंग फेल टू मेड हिस्स वे बार बार वार्निंग देने के बावजूद भी उसने अपने रास्ते नहीं बनाए होप दिस क्लियर टू एवरीबडी बाकी आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं कंप्लेन इज अ वर्ड जिसके साथ बहुत सारी प्रपोजिशन यूज होती है और काफी बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कंप्लेन टू कंप्लेन ऑफ ठीक है ना या फिर कंप्लेन अबाउट या फिर कंप्लेन अगेंस्ट मुझे जल्दी से बताओ क्या मीनिंग हो सकता है इसका कंप्लेन टू कंप्लेन टू का मतलब होता है शिकायत करना किसी से ठीक है ना ऑफ समवन किसी की अबाउट किसी चीज के बारे में और अगर उसने कुछ गलत किया है रॉन्ग किया है जो कि आपको पसंद नहीं आया तो आप वहां पे क्या लिख सकते हो अगेंस्ट फॉर रॉन्ग डूइंग ठीक है लिख लेना इसको आपकी फ्रेजल वर्ब आपकी एग्जाम्स में आती हैं आपके PYQs मैंने पहले भी करवाए हुए हैं और उसके साथ मैंने फ्रेजल वर्ब आपको so, किसी, किसी, तो, किसी की किसी से शिकायत करना राइट right? और किसी चीज के बारे में शिकायत करना about, और किसी चीज की अगेंस्ट शिकायत करना रॉन्ग डूइंग के लिए फाइन चलो तो हमें एरर मिल गया यहाँ पर हमारा जो एरर है वो कौन से पार्ट में हो गया बेटा ए वाले पार्ट में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कैन आई फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव बताइए व्हाट कैन बी एरर? मैम एग्जाम में बताया जाएगा क्या किस ना 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 ना, ना, ना एबिलिटी का पार्ट ये नहीं होता कि इसमें वर्ब ढूंढना है आपको जब आप प्रैक्टिस में होंगे नाउन की प्रैक्टिस करेंगे प्रोनाउन की प्रैक्टिस करेंगे एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे ना मेरे साथ टॉपिक वाइज तो आपको कोई जब मैं करवाऊंगी तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा यहाँ पे नाउन कर रहे हैबिट होती है ना कोई आपको बताता थोड़ी है सुबह आपको ब्रश उठा करके ही ब्रश करना है आप आदत में डालते हो सो आप ये याद रखना जब भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तो पहले आप टॉपिक वाइज करेंगे उसके बाद आप मिसलेनियस के लिए जाएंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा यहाँ पे कौन सा एर ढूंढना है वे क्या आप रोजाना पहले कंप्लीट कर लो थर्टीन सेशन है उसमें है ना मुश्किल से छह दिन लगेंगे आपको कंप्लीट करने में अगर एक एक दो दो सेशन भी एक दिन में देख लेते हो तो टू एक्स की स्पीड पे देखोगे मुझे पता है टू एक्स की स्पीड पे आप लोग देखते हो प्रो हो आप लोग तो एक दिन में आपके दो सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे फेलियर मस्ट नॉट हैेंट इफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली दट ऑफ सवाइव सवाइव अब देखो ये इफेक्ट है इफेक्ट और एक होता है इफेक्ट इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना एक और इफेक्ट होता है जो नाउन की तरह भी यूज होता है लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट हो सकते हैं किसी भी चीज के है ना सो so, आपको याद रखना है जब आप यहां पर यूज कर रहे हो सेंटेंस को चेक करोगे तो आपके पास यहां पर फेलियर वर्ड दिया गया है जो कि क्या है नेगेटिव ही है ओनली नेगेटिव सो so, नेगेटिव सेंटेंस दिया जा रहा है और नेगेटिव मुझे यहां पर चाहिए नाउ देख रहे हो पर्मानेंट इफेक्ट मुझे क्या चाहिए यहां पर एक नाउ तो आप बताओ क्या यूज करोगे यहां पे इफेक्ट या फिर इफेक्ट जल्दी से बताओ इफेक्ट या फिर इफेक्ट इफेक्ट या फिर इफेक्ट इफेक्ट या फिर इफेक्ट वेरी गुड वेरी गुड तो आपका एरर कौन से पार्ट में हो जाएगा बी वाले पार्ट आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी इसको लिख भी लो इफेक्ट आपका नाउन होता है इफेक्ट भी आपका नाउन होता है बट ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं अगर आप स्पेसिफाई कर दोगे किसी चीज के लिए नेगेटिव ही इफेक्ट लगाना है तो वहां पे ई से इफेक्ट बनाते हो ए से इफेक्ट नहीं बनाते हो है ना तो रिमेंबर दिस इसको लिख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको रिप्लेस कर दोगे विद वर्ड इफेक्ट चेंज करके इफेक्ट से रिप्लेस करोगे ठीक है नेक्स्ट कैन आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन वेन प्रोवोक्ड आई कीप माई कूल मैं शांत रहता हूं कीप माई कूल आपका एक फ्रेज बोल सकते हो है जो आपके एग्जाम्स में इडियम फ्रेजेस में पूछा जाता है मैम द प्रॉब्लम्स दैट आवर कंट्री हैज हैज फेस्ड एंड विल फेस रिमेंबर जब आपके पास दो वर्ब आ रही होती है हेल्पिंग वर्ब एक ही सेंटेंस में और उसके वो दोनों अलग अलग होती हैं अलग अलग मेन वर्ब की फॉर्म्स लेती हैं तो आपको दोनों के साथ ना अलग अलग वर्ब्स की फॉर्म लगानी होती है विल के साथ तो फेस लगा हुआ है मेन वर्ब में लेकिन हैस के साथ फेस तो अप्लाई नहीं होगा ना तो हैस के साथ फेस लिख दोगे आप ये क्वेश्चन मैंने करवाया है वर्ब में वर्ब पढ़ोगे आप सो यू विल गेट दिस क्वेश्चन मंजिल टू पॉइंट ओ में ठीक है ओके आई गॉट द आंसर अंकिता बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं गेट प्रोवोक्ड अच्छा क्या चलो मैं बताती हूं देखो पहले तो कीप माई कूल का मतलब होता है आप शांत रहो है ना कीप माई कूल का मतलब होता है आप काम रहो ठीक है ना आप कंपोज रहो आप ट्रांकुल रहो ये सब शांति को दिखाता है आप पीसफुल रहो आप कूलस कुकुम्बर रहो फाइन सो आई कीप माई कूल कह रहा है आई कीप माई कूल मैं शांत रहता हूँ एंड नेवर लूज माई टेम्पर सो हेवर वी हैव अ वर्ड लूज तीन वर्ड होते हैं बेटा एक होता है एल ओ एस सी लूज और एक होता है एल ओ यू एस सी लूज और एक होता है एल डबल ओ एस सी लूज तीनों के अलग अलग मीनिंग होते हैं ऑल थ्री डिफाइन्स डिफरेंट मीनिंग पहला वाला जो आपका लूज है इसका मतलब होता है हारना जिसके लिए आप लॉस्ट लिखते हो सेकेंड और थर्ड फॉर्म और ये ना बेटा नाउन है वर्ब नहीं है इस लूज का मतलब होता है आपके सर में होने वाली बहुत सारी जंगल देखा जंगल जंगल में जानवर होते हैं वैसे हमारे सर में जानवर होते हैं तो सर में कौन से जानवर होते हैं जल्दी से बताइए और इसका क्योंकि नाउन है तो इसका प्लूरल भी बनेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा बेटा इसका प्लूरल क्या बनेगा ये वाले लूज का मतलब होता है किसी चीज को ढीला करना लूज ढीला करना ठीक है तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ आई नेवर ढीला माई टेम्पर मतलब आप अपने टेम्पर को ढीला कर देते हो या आप अपने टेम्पर को खो देते हो क्या करते हो अपने टेम्पर को अपने गुस्से को अपने गुस्से पे कंट्रोल खो देते हो ना ढीला तो नहीं करते उसको सो ऑब्वियसली चीज है आप यहां पर लूज वर्ड का तो यूज नहीं करोगे इंस्टेड ऑफ लूज आप यहां पर क्या लिखोगे लूज है ना यहां पे आप लिख लो हारना या फिर खोना तो कह रहा है मैं हमेशा शांत रहता हूं मैं अभी कभी अपना टेम्पर नहीं खोता भले ही मुझे प्रोवोक किया जाए प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना भड़काना प्रोवोक्ड इनवोक्ड ठीक है ना वेरी गुड लूस जो कि सर में आपके जुए होती है उसको आप बोलते हो लूस है ना तो लूस एक सिंगल के लिए होता है है ना आपके सर के जंगल का जानवर सो so, लूस है वो और इसका प्लूरल लिखोगे तो क्या हो जाएगा बेटू लीज। तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रही हूं और आप मुझे आंसर करके बताना मैंने कहा आई कैन नॉट वेयर दिस कुर्ती मैं ये कुर्ती नहीं पहन सकती एज इट इज डैश मीना यहां पे क्या लगाओगे आप लूज लूज या फिर एल डबल ओ एस ई लूज आंसर क्या बताओ ये वाले क्वेश्चन का आंसर करके बताओ जल्दी से क्या होगा हां जी आप ये कुर्ती अब नहीं पहन सकते क्योंकि अब यह आपको ढीली पड़ती है और क्योंकि यह ढीली पड़ती है इस वजह से आपको फिट नहीं आएगी और फिट नहीं आएगी तो आप इसको नहीं पहनोगे सो so, यहां पर आप एल डब्लू एस सी वाला लूज लिखोगे अच्छा कल ही मैं पढ़ा रही थी कल कौन कौन प्रेजेंट था जरा मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ रेज यूर हैंड्स हाउ मेनी वर प्रेजेंट यस्टरडे आप में से कितने लोग थे जो कल प्रेजेंट थे जरा हैंड रेस करना बेटा हाउ मेनी ऑफ यू वर प्रेजेंट इन येस्ट क्लास कल कौन कौन प्रेजेंट था कल वाली क्लास में ना 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 बेटा प्रोवोक्ड सही है प्रोवोक्ड क्यों सही है क्योंकि आपका ये जो सेंटेंस है ना वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज करा कर जा रहा है यहाँ पे ये वर्ड प्रोवोक्ड आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर वेन प्रोवोक्ड जब आपको भड़काया जाता है इट इज यूज एज अ पास्ट पार्टिसिपल बेटा अच्छा पढ़ा था तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ मैंने आपको बताया था एक होती है मरम्मत जो आप घर की करवाते हो एक होती है मरम्मत जो आप अपनी मशीनरीज की करवाते हो मोबाइल की करवाते हो और एक होती है मरम्मत जो कि आप अपने कपड़ों की करवाते हो तो आप मुझे तीनों के लिए वर्ड्स बताओ मैंने क्या बताए थे कपड़ों की मरम्मत करवाना घर की मरम्मत करवाना और अपनी मशीनरीज की मरम्मत करवाना रिकॉर्डिंग देखा था तो फिर पता होगा जल्दी से बताओ फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आधे घंटे की है ना क्या होगा आज नहीं हुआ नेक्स्ट होगा वेरी गुड रेनोवेशन ना 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 नॉट कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में तो आप नया घर बनवा रहे होते हो रेनोवेशन होता है घर की मरम्मत के लिए मशीनरी की मरम्मत के लिए होता है आपका रिपेयर और अगर आपके कपड़ों की मरम्मत आपको करवानी होती है तो क्या करते हो ऑल्ट्रेशन ठीक है ना तो यहाँ पे ये यह आ गया क्वेश्चन तो मैंने आपको याद दिला दिया था कि आप भूलो भी ना मैंने आपको क्या पढ़ाया था सो so, समझ में आ गया ना वट इट सो जो बच्चे बोल रहे थे मैम यहाँ पे प्रोवोक्ड नहीं यहाँ पे गेट प्रोवोक्ड होना चाहिए गलत लग रहा है सीधे आ गया है है ना तो वेन प्रोवोक्ड बाय सम ऐसे बोल रहे हो ना तो यहाँ पे इसको पाँच पार्टिसिपल की तरह इन्होंने यूज़ किया और कई बार यूज़ करते हैं कई बार यूज़ करते हैं ये इसको है ना तो पांच पार्टिसिपल आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म में वर्ब की एन फॉर्म में होते हैं लेकिन काम एबजेक्टिव कर रहे होते इधर देखो कह रहा है अच्छा कह रहा है कि लॉन्चिंग है प्रतिज्ञा बैच की वैसे प्रतिज्ञा बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो आप अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की ऐप पर जा सकते हैं वहां पर आपको डिटेल सिलेबस में पढ़ाया जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिविजन करवाए जाएंगे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के सारे के सारे टॉपिक के जितने भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उनका रिविजन करवाया जाएगा और इसमें आपको प्रतिज्ञा प्लस बैच में पीवाईपी किट भी मिल जाएगी जो हाइब्रिड टेस्ट किट है आपको हाइब्रिड टेस्ट किट में क्या मिलेगा बेटा आपको हाइब्रिड टेस्ट किट में आपकी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन जो सीरीज है प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगी अगर आपको कोई दिक्कत आती है कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास मेरी मेल आईडी है आप मुझे मेल कर सकते हो अड्डा की ऐप पर जाओगे कोड यूज़ करोगे यू विल गेट एंड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एज वेल राइट इसमें आपको रिकॉर्डेड सेशन लाइव सेशन डाउट सेशन और काउंसलिंग भी मिल जाएगी अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बहुत प्यारा क्वेश्चन है है ये कह रहा ही ऑन द ग्रास फॉर आवर्स ंग दूल ब्रीज अभी एक क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का तो आंसर आप मुझे देंगे ही देंगे बट इसके अलावा भी आप मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर देंगे पहला फॉर और सिंस में डिफरेंस ठीक है ना जो मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा करके रखा हुआ है फिर अगला वर्ड है ब्रीज का मतलब क्या होता है क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में एर आता है सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस जो आपसे पूछा गया है ये सेकंड क्वेश्चन आप कंसिडर कर लो ये थर्ड क्वेश्चन आप कंसिडर लो सो इन वन क्वेश्चन यू आर गेटिंग द सोल्यूशन ऑफ टू और थ्री क्वेश्चन ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आर्स एंजॉइंग द कूल ब्रीज आप बताओ क्या ग्रास आपका बेड है घास आपका बेड है hmm? या ये लाइट का मतलब क्या होता है एर तो मिल गया आपको ए वाले पार्ट में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बता दिया वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लाइट लाइट का मतलब क्या होता है वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लाइट आपको पता है ये वर्ब सेकंड फॉर्म है या फिर इसकी वर्ब थर्ड भी लाइड ही होती है इसका मतलब होता है लाए और जिस वर्ब की लाए सेकेंड फॉर्म में लाइट और लाइट बनाती है इसका मतलब होता है झूठ बोलना क्या करना झूठ बोलना झूठ <coughs> बोलना कहते हैं ना झूठ बोले कौवा काटे झूठ so, बोलना ठीक है बेटा अब आप यहां पे देखो लिखा हुआ ही लाइट ऑन ग्रास उसने ग्रास पे झूठ बोला

या फिर डाल देना डाल देना डाल देना इसके लिए आप ले, लेड लेड यूज करते हो जैसे आपने देखा होगा मुर्गी अपने अंडे कहीं पर भी डाल देती है है ना और अगर आप अपना बैग या अपने आसपास जो भी सामान होता है वो कहीं पर भी फेंक देते हो तो आप उसको ले डाउन कर देते हो ठीक है so, सो यहां पे लिखा हुआ है ही डैश ऑन द ग्रास राइट ही डैश ऑन द ग्रास फॉर आर्स इन द कूल ब्रीज सो वॉट विल बी योर आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा आपका आंसर यहाँ पे क्या हुआ नहीं हो पा रहा है मैम बताओ ग्रास पे वो झूठ बोल रहा था या फिर वो लेटा हुआ था या तो आप बोल सकते हो ग्रास पे वो लेटा हुआ था या तो वो पड़ा हुआ था ऐसे करके ही आप यूज करोगे सो इधर यू कैन यूज हियर ले या फिर आप क्या यूज कर सकते हो लेट ठीक cool है ही ले और लेट ऑन द ग्रास फॉर आवर्स इंजॉइंग द कूल कुल क्लियर है क्लियर है बेटा अच्छा बताओ अगर आपको ये बोलना है कि मैंने अपनी मम्मी से झूठ बोला तो आप क्या लिखोगे आई डैश माई मदर आई लाइड माई मदर आई ले माई मदर आई लेट माई मदर बताओ मैंने अपनी मम्मी से झूठ बोला Mend का मतलब बनाना होता है बेटा किसी चीज को बनाना जूतों की मरम्मत करने के लिए भी mend वर्ड यूज करते हो जल्दी बताओ मैंने अपनी मम्मी से झूठ बोला आई lied टू माई मदर आई ले टू माई मदर आई लेट टू माई मदर आई lied टू माई मदर ठीक है क्लियर है सबको ये तो हमें एरर मिल गया एरर कौन से पार्ट में हो गया ये वाले पार्ट अब मैंने आपसे बोलता फॉर और सेंस में डिफरेंस बताओ तो फॉर किस लिए यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए ठीक है ना फॉर किस लिए यूज होता है बेटा पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस किसके लिए यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पॉइंट ऑफ टाइम सो अगर यहां पर यहां पे एक और एरर बन सकता था अगर आर्ट्स के साथ सिंस लिखा होता आप बताओ सही होता कि गलत होता अगर आर्ट्स के साथ में सेंस लगाती सही होता कि गलत होता जल्दी से बताओ अगर अगर मैं आर्ट्स के साथ सिंस लगाती सही होता कि गलत होता बेटा अड्डर ट्वेंटी फोर सेवन की आप ऐप पर जाएंगे ठीक है ना और उसी में ही कम्युनिटी पर जब आप जाएंगे तो ऊपर एक्सप्लोर ग्रुप में इंग्लिश विद दुबई का मैम आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा हाँ सिल्स निश्चित और अनिश्चित अच्छा ठीक है रॉन्ग होता क्यों क्योंकि मैंने कहा पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप यूज करते हो फॉर तो मैंने कहा घंटों से सो रही है तो फॉर आवर्स मैंने कहा महीनों से सो रही है फॉर मंथ्स चार महीने से सो रही है फॉर फोर मंथ्स क्योंकि कौन से चार महीने आपको नहीं पता लेकिन अगर मैंने बोला दो बजे तो सिंस टू ओ क्लॉक मैंने बोला जनवरी तो सिंस जनवरी अगर मैंने बोला मंडे तो आप बोल सकते हो सिंस मंडे मंडे से जब सेंस से का आने लगे तो फॉर और सिंस को यूज करते हो फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस किसके लिए यूज करते हो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए याद रखना इसको इंपॉर्टेंट है अच्छा अगर मैंने बोला वो बचपन से मेरा दोस्त है तो मैं क्या लगाऊंगी ही इज माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड या फिर फॉर चाइल्डहुड जल्दी से बताना इंजॉइंग द कूल ब्रीज ब्रीज का मतलब होता है मंद पवन इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कैरियर आता है बेटा कि ब्रीज ऑलरेडी हल्की होती है सॉफ्ट है ना तो उसके साथ लाइट और स्ट्रॉन्ग वर्ड का यूज नहीं करते आप कभी सेम स्ट्रग स्ट्रॉग का मतलब होता है आंधी आंधी का मतलब ही होता है बहुत तेज हवा का चलना तो उसके साथ भी स्ट्रोंग और लाइट का यूज नहीं करते आप जी सिंस चाइल्डहुड वेरी गुड एक छोटा सा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक बार बता दो लेट मी सी आप लोग आंसर कर कर पाते कर पाते हो हो कि नहीं मैंने 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 आपको आपको कई बार बताया क्लास में और में और रिलेटेड आपके एग्जाम्स एरर भी आता है मैंने आ, है बेटा आपसे कहा कहा मान लीजिए झूठ झूठ बोलना तो मैंने मत बोलो बताओ क्या होगा डोंट टेल अ लाए या डोंट टेल द लाए जल्दी बताओ बिल्ड का मतलब बेटा सिर्फ बना रहे होते हो आप और कंस्ट्रक्ट में यू विल गिव अ प्रॉपर डिजाइन टू दैट पर्टिकुलर थिंग ठीक है डोंट टेल अ लाए एंड अगर आपने ये बोला सच बोलो तो स्पीक द ट्रूथ होता है इससे रिलेटेड आपके एग्जाम से बहुत बार एरर पूछा जाता है ठीक है ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है इसका आंसर करके बताइए क्या होगा कह कैराइ ड्यूरिंग द रेनी सीजन मेनी रिवर ओवर फ्लू देअर बैंक्स बैंक्स का मतलब बताना क्या होता है एंड कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टी रेनी सीजन में बारिश के सीजन में बहुत सारी जो रिवर्स है वो ओवरफ्लू कर जाती हैं अपने किनारों को और बहुत सारी डिफिकल्टी भी क्रिएट करती हैं मैम इन्फि बेटा इन्फिनेटिव में कुछ है ही नहीं टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां पे आ जाती है वो इन्फिनेटिव होता है ठीक है बेटू ओके क्या एरर है बी वाले पार्ट में व्हाट इज द एरर इन बी पार्ट व्हाट इज द एरर इन बी पार्ट आपके पास देखो वर्ड एक एक होता है फ्लाई और एक वर्ड होता है आपका फ्लू फ्लो फ्लाई का मतलब होता है उड़ना और फ्लो का मतलब होता है बहना ठीक है फ्लाई की तीन फॉर्म्स कौन सी होती है फ्लाई फ्लू फ्लोन ठीक है ना और फ्लो की तीन फॉर्म्स क्या होती है फ्लो फ्लोड फ्लोड ठीक है ना अब आप सोचो ये जो रिवर लिखा हुआ है रिवर रिवर क्या करेगी रिवर उड़ेगी या बहेगी ओवरफ्लो रिवर क्या करेगी उड़ेगी कि बहेगी ओवरफ्लो की ओवरफ्लोड ओवरफ्लो की ओवरफ्लोड सेंटेंस को चेक करिए प्रेजेंट में है कि पास्ट में बटू क्योंकि बहुत मैटर करता है आपका अगर आपका इंप्रूवमेंट में सेंटेंस आ गया और आप ओवरफ्लो पे टिक करके आ गया तो रॉन्ग हो जाएगा हाँ ओवरफ्लोड आएगा तो कह रहा है रेनी सीजन में बहुत सारी जो रिवर थी वो ओवरफ्लो कर गई मतलब वो अपने किनारों के ऊपर आ गई है ना तो ये जो बैंक होता है एक बैंक तो वो होता है जहां पर आप अपनी सेविंग्स करते हो आपकी सैलरी आती है और दूसरा बैंक वो बैंक होता है जो रिवर का किनारा होता है तो रिवर का किनारा इज बैंक ठीक है और यहां पर ओवर फ्लू नहीं आएगा क्या जाएगा ओवर फ्लू अच्छा बताओ अगर मैं यहां पर देयर की जगह पर हिज यूज कर देती या फिर इट्स यूज कर देती तो सही होता हाँ या नहीं अगर मैं अगर मैं अगर मैं देर की जगह पे हिज या इट्स यूज कर देती सही होता कि गलत होता और ये याद रखना आपके एग्जाम में 2022 में क्वेश्चन आया था क्या क्वेश्चन था वो 2022 में क्वेश्चन था कि अगर रिवर का अपना बैंक होता है है ना एनोलॉजी का क्वेश्चन था रिवर का अपना बैंक होता है सो आपने आंसर करके बताना है सी का क्या होता है रॉन्ग होता क्यों रॉन्ग होता क्योंकि देखो रिवर नॉन लिविंग थिंग है बिटू और नॉन लिविंग थिंग के लिए हेसघार नहीं लगाते तो सबसे पहले तो ये हटाओ तो आप बोले तो क्या हुआ मैम नॉन लिविंग थिंग है तो इट्स तो लगा ही सकते हैं ना लेकिन मैंने क्या बोला बेटा देखो रिवर्स है रिवर नहीं है, है ना नॉन लिविंग थिंग अगर प्लूरल होता है बेटा तो उसके साथ आप कभी भी इट्स यूज नहीं करते क्योंकि इट्स नॉन लिविंग थिंग में सिंगुलर के लिए लगता है मैंने बोला मोबाइल का कवर मेरे मोबाइल का कवर तो मैं बोलूंगी इट्स कवर इट्स कवर और अगर दस पंद्रह मोबाइल मेरे सामने रखे हुए हैं ना उसके कवर्स हैं, तो फिर मैं इट्स कवर नहीं बोलूंगी मैं क्या बोलूंगी दे आर कवर ठीक है याद रहेगा कोस्ट बीच तो बनाया जाता है क्रिएट किया जाता है बेटा वो आर्टिफिशियल किनारा मतलब क्रिएट किया जाता है सी का जनरली किनारा होता है तो उसको तट बोलते हो कोस्ट बीच इज क्रिएटेड अस बीच इज द नेम गिवन बाई अस टू अ वेरी सुंदर सुंदर काइंड ऑफ किनारा ऑफ सी तो आई होप दिस इज वाइट यूर डू एवरीबडी बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हमें एरअर मिल गया यहाँ पर बी वाले पार्ट में अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद बताएंगे क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ मैंने कहा ही ले हेज़ लगेज अ साइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अवाई उसने अपने लगेज को लिटाल दिया और ख़ुद भी लेट गया कुछ देर के लिए तो मैंने आपको ले की तीनों फॉर्म्स बताई हैं आप जल्दी से बताओ कौन से वाले पार्ट में एर बेटा एप्पल मोबाइल नहीं है ये एप्पल यूज़ नहीं करती मैं शोर बोल देते हैं कुछ लोग मैम विकैप के लिए वर्ल्ड पार मेडीज ये देखो बेटा वर्ल्ड पार मेड ही आप यूज़ कर सकते हो बट वर्ल्ड पार मेड मेडिजी अगर आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आए तो वर्ल्ड पार मेड मेडीजी के ऊपर मैंने एक सेशन लिया उसके सारे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो निकाल करके मैंने उसमें आपको पढ़ाई हुई है आप वर्ल्ड पार मेड मेडिजी का सेशन देख लो मेरा जेरिनियन पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट का पार्ट होते हैं इन्फिनेटिव का पार्ट नहीं होता आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बट आप सब पता है मिक्स कर देते हो इन्फिनेटिव इज डिफरेंट एक वर्ब होती है फाइनाइट और एक वर्ब होती है नॉन फाइनाइट फाइनाइट वर्ब आपके सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाती है जैसे मैंने बोला शी इज एंड दे आर नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होती जैसे मैंने बोला शी इज टू कुक एंड दे आर टू कुक तो टू कुक यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है दोनों ही सेंटेंस में तो टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट का पार्ट है जेरिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म नॉन फाइनाइट का पार्ट है है ना पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन फाइनाइट का पार्ट है तो नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी तीन वर्ब्स होती हैं इन्फिनेटिव जेरिन और पार्टिसिपल एक दिन मैं सेशन लूंगी एक्स्ट्रा और मैं आपको इनके भी क्वेश्चन करवा दूंगी आप परेशान मत होना वैसे इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम से बहुत क्वेश्चन नहीं आते लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है पॉजिटिव वर्ब और पॉजिटिव वर्ब मैंने पेड़ वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है ठीक है तो जितने भी पेड़ वाले स्टूडेंट्स हैं वो एक बार पॉजिटिव वर्ब जरूर देखना और जिन्होंने नहीं पढ़ा है यहाँ यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं उनको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर दे दूंगी जिससे दोनों का फायदा होगा पेड़ वालों का भी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो जाएंगे उनके और जिन बच्चों को नहीं भी आता है वो भी कर लेंगे यहाँ पे ठीक है वेरी गुड तो मैंने आपको बताया था तीन क्या वर्ड था एक तो लाई था झूठ बोलना उसका लाइट लाइट था और फिर एक वर्ड था लाई जिसका मतलब था लेटना तो लाए लेन लेन है ना तो यहां पर ले तो सही लिखा हुआ है क्योंकि वो लेट गया खुद तो वो लेट जाएगा ठीक है लेकिन वो अपने लगेज को लिटाल नहीं सकता तो यहां पर लगेज उसका वो डाल दिखाई हुई तो यहां पे ये वाला वर्ड यूज होगा ले और लेड वाला सो इंस्टेड ऑफ ले आप यहां पर क्या यूज करेंगे लेड पास्ट में ठीक है क्लियर है क्यों मैंने यही चेंज किया मैं ये क्यों चेंज नहीं कर सकती थी अगर मैं ये चेंज करती तो दो दो पार्ट एरर हो जाता या तो यहां पे ही लेज लिखा होता है ना तब मैं इसको चेंज कर सकती थी एन लाइज डाउन समझ में आ रही है ना मेरी बात तो मैंने इसको क्यों चेंज किया क्योंकि मेरे को दो दो बार चेंज ना करना पड़े दोनों सेंटेंस बताओ छोटा सा क्वेश्चन यहीं पे ही कनेक्ट करके पूछूंगी आंसर करके बताना क्या आप लगेज वर्ड का इस्तेमाल कर सकते क्या आप लगेज का ऐसे बनता है बैगेज और एक स्टूडेंट है मेरी बहुत काफी दिन से कनेक्टेड है स्टार्टिंग से ही पढ़ रही है उसने मुझसे पूछा था मैम लगेज और बैगेज में डिफरेंस क्या होता है आप मुझे बताना लगेज और बैगेज में डिफरेंस क्या होता है ऐसे ही तो मेरे पास वर्ड आ जाए पोइट्रीज सीनरीज ये सही है या गलत है आधी इज वर्ड राइट और रॉन्ग आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं बेटा नाउन से रिलेटेड नो नहीं, नहीं। नो अच्छा स्टूडेंट्स कह है रहे हैं मैम ये कलेक्टिव नाउन है इनके में हम एस और ऑरियस नहीं लगा सकते हम लगेज luggage का लगेजेस नहीं कर सकते बैग bag, का बैग बैगेज का बैगेजेस नहीं कर सकते पोइटरी poetry का पोइट्रीज नहीं, scenery नहीं कर सकते सीनरी का सीनरीज नहीं कर सकते लगेज में आपके कपड़े और खूब सारा आपका स्टफ होता है उसका कलेक्शन होता है बैगेज में भी वही होता है लेकिन एक, या, एक चीज़ याद रखना बेटा जो आपका लगेज होता है बैगेज होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है लगेज आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकल टर्म में यूज़ करते हो लेकिन बैगेज आप फिजिकल ठीक है ना और इंटरमेट दोनों फॉर्म में यूज़ कर सकते हो कैसे बैगेज आपका कुछ भी हो सकता है जैसे मान लो आपके सर पर बहुत भार है किसी चीज़ का है ना फाइनेंशियल भार है इकोनॉमिकल भार है ठीक है ना ये फैमिली का बहुत ज़्यादा बैगेज है तो लोड के सेंस में भी इसको यूज़ किया जाता है सो वैन यू हैव सो मच भार ऑन योर हेड फॉर एनी थिंग फिनेंशियल इकोनॉमिकल व्हाट्स एवर सो इसके लिए आप बैगेज वर्ड का यूज भी कर सकते हो सो लगेज फिजिकल और इंटरमेट दोनों के लिए यूज़ होता है और आपका बैगेज सिर्फ और सिर्फ सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने लगेज से वो सिर्फ फिजिकल के लिए यूज होता है और आपका जो बैगेज है वो दोनों के लिए यूज होता है फिजिकल और इंटीमेट दोनों ही सिचुएशन के लिए पोइट्रीज़ इज द कलेक्शन ऑफ पोम्स एंड सीनरीज इज द कलेक्शन ऑफ सीनरी इज द कलेक्शन ऑफ बहुत सारी चीजें जो आपको एक पर्टिकुलर जगह पर दिखती हैं सो so, आप लोग बोल रहे हो कि इसका आप प्लूरल यूज नहीं कर सकते बट मैं आपको बता दूं बेटा इसका प्लूरल यूज होता है लेकिन कब यूज़ होता है वो याद रख लो कलेक्टिव नाउन जब अपनी स्पेशी अपने काइंड अपने फॉर्म में डिवाइड होता है ठीक है बेटा जब अपने स्पेशी अपने काइंड अपने फॉर्म में डिवाइड होता है तो आप इसको एसोरियस बना सकते हो जैसे मैंने कहा मेरा एक लगेज है एक और फैमिली आई थी उसका भी एक लगेज था कोई और फैमिली आई थी उसका भी एक लगेज था अब इंडिया से जो फैमिली आई थी वहां पे वो इंडियन लगेज कैरी की होगी फॉरेन से जो फैमिली आई थी वो फॉरेन वाले कपड़े पहने होगी अब उसके बैग में जनरली आपको सलवार सूट नहीं मिलेगा अगर किसी और जगह पे चले जाओगे जहां का ट्रेंड कुछ और है तो उन्होंने वो कपड़े रखे होंगे तो अब हम अपनी स्पेशली अपने काइंड अपने फॉर्म में डिवाइड हैं तो जैसे हम यहाँ पे लगेज का लगेजेस यूज़ कर सकते हैं सेम गोज फॉर पोएट्रीज एंड सेम गोज फॉर सीनरीज अगर आप एक पर्टिकुलर जगह की सीनरी लोगे तो दट इज सीनरी बिकॉज इट इज अ कलेक्टिव नाउन लेकिन अगर आप इंडिया के दस स्टेट घूमो वहां से सीनरी उठा के लाओ तो वो सीनरीज हो जाता है है ना इंडिया के अलावा अगर आप कंट्रीज में अलग अलग कंट्रीज में घूमो और वहां की सीनरी उठा के लाओ तो वो सीनरीज हो जाता है सो so, ऐसा नहीं है कि आप इनका प्लूरल नहीं बना सकते बट इनके क्वेश्चन आपके ऐसे ही आते हैं जहां पे आपको ये सिंगल सिंगल कलेक्टिव नाउन के फॉर्म में दिए गए होते हैं उनका प्लूरल नहीं बनाया जा रहा होता है बट अगर कभी अगर आपको इनका प्लूरल दिखाई दे जाए और हमेशा आप एर ढूंढने निकल जाओ तो ये सही नहीं है आप ये देख लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी काइंड ऑफ स्पेशियल फॉर्म में डिवाइड है है ना जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग को दूं मुझे आंसर करके बताना क्या होगा यहाँ पे तो एरर मिल गया यहाँ पे ए वाले पार्ट में एरर है आप बताओ मुझे अगर मान लो मैंने ये बोल दिया सुनना बहुत ध्यान से बहुत प्यारा क्वेश्चन है अगर मैंने आपको ये बोल दिया कि कलेक्शन ऑफ लेटर को क्या बोलते हैं एबीसीडी आप पढ़ते हो क्या बोलते हो उसको एक आपका लगेज है और एक मेरा लगेज है अच्छा मैम हाँ किरण पब्लिकेशन की बुक बेटा अच्छी है लेकिन एरर्स बहुत है उसमें तो प्रैक्टिस करने को आप कर लो लेकिन अगर आपको कोई डाउट आता है सो यू हैव माई मेल आई आप मुझसे पूछ सकते हो उसके डाउट बाकी अपनी ग्रुपिंग्स बना लो ताकि आप अपने आप में डिस्कस कर सको जैसे एक बच्चे को रूल पता होता है दूसरा भूल गया होता है तो आप आपस आप में डिस्कशन अच्छा हो जाता है प्रिया टाइम मिले तो देख लो बेटा आपके लिए तो ही है ना वो अल्फाबेट बोलते हो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है ना तो आप मान लो मैंने कहा ए बी सी डी मैंने पढ़ा है ना फिर मैं गुजरात गई मैंने गुजरात में भी ए बी सी डी पढ़ लिया गुजरात का ए बी सी डी फिर मैंने कहा कि मैंने दूसरी जगह गया मैंने वहाँ का बीटा गामा पढ़ लिया है ना फिर मैंने जो हिंदी थी उसकी वर्णमाला सीख ली छोटा बड़ा मैं उर्दू पढ़ना शुरू करी तो मैंने उर्दू का अलब्ब्य पढ़ना शुरू कर दिया सब आपने अलिब्य भी पढ़ा हुआ है छोटा बड़ा भी पढ़ा हुआ है ए बी सी डी भी पढ़ा हुआ है अल्फा बीटा गामा भी पढ़ा हुआ है गुजराती के भी लेटर्स पढ़े हुए हैं अब यहाँ पर गुजराती लड़े का कलेक्शन अल्फाबेट है ना फिर आपका हिंदी वर्णमाला का कलेक्शन अगेन अल्फाबेट फिर आपने क्या बोला कि मैंने अल्फाबीटा गामा पढ़ा दैट इज़ ऑल्सो एन अल्फाबेट फिर आपने क्या बोला अलिफ बे आपने पढ़ा दैट इज़ ऑल्सो अल्फाबेट अब आपने अगर अलग अलग लैंग्वेजेस के ठीक है ना अल्फ़ाबेट या अल्फाबेट्स सीखे आप मुझे बताओ अगर आपने अलग अलग कंट्रीज में जाकर के अलग अलग जगह पे जाकर के उसकी भाषा को सीखा उसके अल्फाबेट को सीखा तो ये तो अपने काइंड अपने फॉर्म अपने स्पेशी में डिवाइड हो गया ना तब वहां पे अल्फ़ाबेट नहीं यूज़ करोगे क्या लगाओगे अल्फाबेट्स दैट इज गुड तुषार ठीक है गॉट इट पैल्पेबल टू एवरीबडी अच्छा जितने भी स्टूडेंट सेशन को देख रहे हो बेटा एक बार सेशन को लाइक like शेयर जरूर कर देना ताकि बच्चों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है आई लव दिस क्वेश्चन कैन व्हेन क्लैमिटी फिल द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली ठीक है <laughs> जब किलामिटी आई विलेज के ऊपर तो उन्होंने उसको बहुत ही ब्रेवली फेस किया अल्फाबेट्स बेटा शाम में सेशन नहीं होगा अब एक ही सेशन होगा आपका जो भी पढ़ोगे आप उसी एक सेशन में पढ़ोगे ठीक है बताओ जल्दी से वेरी गुड क्या है फेल में व्हाट इज एरर इन फेल क्या एरर है फेल में फेल का मतलब क्या होता है फॉल, फेल, ये बढ़ते हो लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन पढ़ कि नहीं पढ़ते हो इसका मतलब होता है गिरना ठीक है फॉल का मतलब होता है गिरना अब यहां पे बोल रहे हो क्लैमिटी गिर गई किसके ऊपर विलेज के ऊपर क्लैमिटी मतलब प्रॉब्लम सफरिंग्स एडवर्सिटीज आप बोल सकते हो है ना सफरिंग्स आ गई है ना या फिर एडवर्सिटीज आ गई परेशानियों ने क्या किया विलेज को घेर लिया तो अगर हमें यह बोलना हो कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर आ पड़ी कोई दिक्कत आ पड़ी कोई मुसीबत आ पड़ी तो उसके लिए कभी भी आप फेल वर्ड का यूज नहीं करते इंस्टेड ऑफ फेल आप क्या यूज करेंगे बेटा बी फेल जब कोई मुसीबत आएगी कोई दिक्कत आएगी कोई परेशानी आएगी कोई समस्या आ गई सो इट बी फेल नॉट फेल क्योंकि फेल का मतलब क्या होता है गिरना है ना अच्छा चलते चलते मैं गिर गया मैं जब चल रहा था तो मैं गिर गया तो आप क्या बोलोगे आई फेल डाउन या आई बी फेल डाउन ए सी की वॉयज होगी बेटा चलते चलते मैं गिर गया बताओ आई फेल डाउन या आई बी फेल डाउन चलते चलते मैं गिर गया आई फेल डाउन या आई बी फेल डाउन चलते चलते मैं गिर गया आई फेल डाउन या फिर आई बी फेल डाउन चलते चलते मैं गिर गया फेल डाउन है ना वहाँ पे बी फेल नहीं होगी क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, आपके ऊपर नहीं आ रही अब ये तो क्लियर है अच्छा एक और वर्ड होता है ये तो गिरना था अगर आपको कोई गिरा दे कई बार आपके दोस्तों ने आपके साथ शरारतें करी होंगी आप जा रहे होते हो और आपका ऐसा पैर फंसा करके वो आपको गिरा देते हैं टंगड़ी फंसा देते हैं करते कि नहीं करते सो तो अगर आपके जबरदस्ती कोई लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है और आपको जबरदस्ती गिरा रहा है आप गिर नहीं रहते किसी ने जबरदस्ती आपको टांग पकड़ करके खींच करके नीचे गिरा दिया तो जबरदस्ती किसी को गिराना है फेल और इसका पास्ट होता है फेल्ड और फेल्ड इसको लिख लेना बेटा लास्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा है the assassin was convicted and ordered to be hung. अभी आप अपने आप मुझे बता दोगे मुझे बहुत अच्छे से पता है the assassin, क्या मतलब होता है सैसन का वॉज कन्विक्टेड क्या मतलब होता है कन्विक्टेड का एंड ऑर्डर टू बी हंग और उसको ऑर्डर मिला कि उसको हंग कर दिया जाए टांग दिया जाए बेटा वो कर लीजिए जब वो कंप्लीट हो जाए तो एक बार आप मुझे बता दीजिएगा मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट क्या करना है तेरह दिन का सेशन है बेटा वो तो आप छह दिन में भी कंप्लीट कर लोगे जी जब कोई अच्छा असासिनेशन होता क्या है जब आप किसी को आ... किसी प्राइवेट किलर को बुलवा करके किसी को मारते हो जैसे आपको याद होगा इंदिरा गांधी का असासिनेशन हुआ था याद है ठीक है ना तो प्राइवेट किलर्स को बुलवा करके उनको आ, किल करवाया गया था ठीक है और कनविक्ट का मतलब होता है आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हो ठीक है ना किसी को ऑफिशियली बोल रहे हो कि तुमने गलत किया ठीक है तो कह रहा है जो असासिन था जो एक प्राइवेट किलर था उसके ऊपर आरोप लगा ठीक है ना और उसके बाद आरोप लगने के बाद उसको ऑफिशियली एक पनिशमेंट मिल गया और पनिशमेंट क्या मिला कि उसको सूली पर चढ़ा दिया जाए कि उल्टा टांग दिया जाए सूली पर चढ़ा दिया जाए तो यहां पे टू बी हंग नहीं होगा क्या हो जाएगा हैंग और यहाँ पे दो वर्ड्स लिख लो बेटा बेटा टू के साथ अगर वर्ब आती है तो वह आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है और अगर इसी का ही पैसिव बनाते हैं आप तो टू के साथ बी लगा देते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है थर्ड फॉर्म यही वजह है कि टू के बाद बी लगाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे ठीक है बाकी ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है आप मुझे होमवर्क में आंसर देंगे और मैं आप लोगों को Uh, कल ये डिस्कस करूँगी आ के ओके okay? बाकी रेस्ट लेट मी जस्ट एंड विद द सेशन बिकॉज अभी आपकी क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड की क्लास है एंड यू हैव टू वॉच दैट ऑल्सो इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए और कल पढ़ करके आएगा और मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा और आपने एक क्वेश्चन में मल्टीपल चीज़ें लर्न करी होंगी उसको कॉपी में जरूर नोट करिएगा इसका पी आप लोगों को कम्युनिटी ग्रुप पे ही मिल जाएगा बेटा इसके नेम से है ना प्रवेश नाम से ही आपको एक लिंक मिलेगा और उस लिंक के अंदर सारे पी डी एफ सब डलेंगे सो so, आप कम्युनिटी ऐप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा डी आपको डाउनलोड करने के बाद रेस्ट जाते जाते आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की ऐप से प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो आप अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की ऐप पर जा सकते हैं जैसे ही आप ऐप पर जाओगे इंडिया लार्जेस्ट वन एकेले प्लेटफॉर्म पर जाओगे उसके बाद आप ऑल कोर्सेज पर जाना जैसे ही बेटू आप ऑल कोर्सेज पर जाएंगे ना आप यूजीपीजी एग्जाम्स पर जाएंगे यूजी पे जाएंगे आपके पास साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के ही ऑप्शन हैं यहां पर आप प्रतिज्ञा प्लस बैज में एनरोल कर सकते हो हाइब्रिड किट आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रिपरेशन के लिए बैच आपका थ्री टू टू नाइन रुपीज़ का है आपको अगर ये लेना है सो so, आप वाई फोर एट फोर कोड यूज़ करके रिमेंबर द कोड वाई फोर एट फोर यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं और जितने भी बच्चे हैं आज से प्रवेश के तेरहवें दिन के बाद मैं आपसे पूछूंगी कि आप लोगों का जो विकैब टू पॉइंट ओ है वो प्रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि मैं विकैब टू पॉइंट ओ के टेस्ट लेने वाली हूँ सो जस्ट बी रेडी फॉर दिस ठीक है ना लेट मी जस्ट एंड विद सेशन बेटा यू हैव माई मेल आई डी कोई दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम हो जस्ट बी ओके विद डैट कि मेको डर नहीं लग रहा यह सब मत सोचना आराम से बिंदास होकर के पूछना जो भी डाउट हो जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा आई हेल्प यू आउट देर ठीक है चलो